the way you are now to the next level. So, Physics for UK के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है. I am Om Raut. आज स्टडी से हटके मैं कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो 10 साल पहले मेरे टीचर ने मेरे साथ शेयर की थी. ये बात, ये जो एक स्टोरी उन्होंने बताई थी, तो वो जो स्टोरी है मुझे इतनी टच हुई अंदर से. तो जब कभी भी मुझे लगता है कि लाइफ में ये इम्पॉसिबल है, तो मैं उस स्टोरी का सहारा लेके फिर से इंस्पायर हो जाता हूँ. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज आपके साथ बताना चाहता हूँ. चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपको ज़रूर काम में आएगी, भले ही वो जेईई मेन या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ओके, तो होता क्या है, एक बच्चा एक तितली को देखते रहता है और वो तितली क्या करती है ना, एक स्टिकी मटेरियल उसके इर्द गिर्द रहता है, तो उस स्टिकी मटेरियल से निकलने की कोशिश करती है. ओके, तो बच्चे को उस पर दया आ जाती है, तो बच्चा जाता है उसको लगता है कि भाई इस स्टिकी मटेरियल को अगर मैं निकाल लूँ तो तितली आज़ाद हो जाएंगी और उड़ने लगेगी. तितली मतलब बटरफ्लाई. ओके, तो वो निकालने की कोशिश करता है और फिर निकालने के बाद जैसे ही वो स्टिकी पदार्थ पूरा निकाल लेता है उसमें से, तो तितली मर जाती है. बच्चा शॉक हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ. तो दादाजी के पास चला जाता है. दादाजी मैंने इस तितली को मदद करने की कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गई. तो पूरा बताता है कैसे हुआ क्या हुआ. तो उस समय दादाजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन उस बच्चे को देते हैं. वो लेसन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लेसन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. तो दादाजी क्या कहते हैं उसको, उस बच्चे को, कि जैसे ही तूने उस तितली को निकालने की कोशिश की, तूने उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया. रेजिस्टेंस मतलब हो गए ऑब्स्टेकल्स जो आपके लाइफ में आते हैं. तो जैसे ही तूने रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो वो रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, अगर तूने नहीं निकाला होता तो जो ऑप्टिमम रेजिस्टेंस चाहिए उसको निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहा था, उस तितली के पंखों में स्ट्रेंथ ला रहा था. तो जैसे ही तूने स्टिकी पदार्थ निकल गया तो उसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया. और फिर क्या, तितली में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो उड़ पाए या फिर लाइफ को फेस कर पाए, इसलिए वो मर जाती है. तो कहने की बात यह है, आप जेईई मेन का प्रिपेयर कर रहे होगे, नीट का प्रिपेयर कर रहे होगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो होता क्या है, अपने को ऑब्स्टेकल्स तो देखते हैं लेकिन उस ऑब्स्टेकल्स की इम्पोर्टेंट अपने को पता नहीं रहती. क्यों ये ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस उस ऑब्स्टेकल्स को पास नहीं करोगे या फिर पार नहीं करोगे, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा आप कैसे इंसान हो. यू विल गेट शॉक आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट, आफ्टर फेसिंग दैट ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल्स ही आपको ऐसा आदमी बना देते हैं so that you can achieve more success, so that you can improve your quality of life, so that you can improve the way you are now to the next level. So obstacles इसीलिए नहीं रहते कि आपको वो कार्य जो आप कर रहे हो इतने दिन से उसको छोड़ दिया जाए, वो इसके लिए रहते हैं कि आपको और बड़ा आदमी और सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाने के लिए वो रहता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.